रविवार वाले दिन कौन कौन वस्त्र धोता है, नई बात बता रहा हूं आपको, साबुन लगाकर, क्योंकि पता ही नहीं ना। अभी तक जो धोए उनके लिए सॉरी बोल देना, आगे से रविवार वाले दिन, वैसे तो हम लोग गुरुवार और रविवार दो बार साबुन लगाकर वस्त्र नहीं धोने चाहिए। जो व्यक्ति रविवार वाले दिन साबुन लगाकर वस्त्र धोता है, रविवार, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिनों में जो व्यक्ति अपने वस्त्र साबुन से धोता है, उस व्यक्ति को इस नरक में जाना पड़ता है। क्षार कुंड नामक नरक है जिसमें इस व्यक्ति को जाना पड़ता है और उसे सूद के बराबर कई वर्षों तक क्षार कुंड नामक नरक में रहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, फिर उसे सात जन्मों तक धोबी भी बनना पड़ता है, वस्त्र धोने वाला बनना पड़ता है सात जन्मों तक। तो इसलिए आज के बाद ये बात आप माताएं बहन विशेष तौर पे नोट कर लें, कुछ दिन बताए हैं, रविवार को, गुरुवार को, अमावस्या और श्राद्ध पक्ष, मकर संक्रांति इत्यादि जो शुभ दिन हैं, चाहे एकादशी वगैरह आप इसमें ले लीजिए, जिस दिन आप व्रत रखते हो वो दिन पवित्र ले लीजिए, जो पवित्र दिन हैं उन दिनों में न तो साबुन शरीर पे यूज करना चाहिए और ना ही वस्त्रों में यूज करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अनजान है, क्योंकि सत्संग करते नहीं, सत्संग करेंगे नहीं तो ये सब भोगना ही पड़ेगा, ये वर्णन आता है ऐसा। और भी कई नरक हैं इसमें, अस्त्रिपत्र नामक नरक है जो वेदों के बताए हुए मार्ग से हटकर अपने मन मुताबिक जो कर्म करता है, जैसे आजकल सब व्यक्ति अपने मन मुताबिक धर्म करते हैं, ये धर्म है वो धर्म नहीं है, सुन लीजिए जरा सावधानी से, फोन वोन रख दीजिए साइड में। आजकल मनगढ़ंत धर्म बहुत चलने लग गए, जिसके मन में जो आता है वही करता है। मतलब हम किसी आचार्य के बताए हुई पद्धति को हम नहीं मानते, हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, हमें जो अच्छा लगता है हम उसी को धर्म मान लेते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि कंबल बांटने से धर्म नहीं होता, कुत्ते पालो उससे धर्म होगा। बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मत पालो, जो तुम्हें पालना है पालो, लेकिन तुम्हारे दृष्टिकोण सिर्फ उतना ही नहीं है। एक ने कहा एनिमल्स को पालो आप, तो आप अपने मुताबिक धर्म को एक नाम मत दीजिए। कईयों को ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही धर्म है, बाकी के जो लोग कर रहे हैं वो अधर्म है। कई लोग मेरे से कहते हैं आप गौशाला क्यों नहीं बनाते, गौशाला बनाइए। कई मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाना अधर्म है क्या? आप हॉस्पिटल बनाइए, गरीबों का निःशुल्क इलाज करिए, अनाथालय बनाना अधर्म है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ मत करो, पर मैं ये कह रहा हूं जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको आप अधर्म की दृष्टि दे दो या उन्हें बदनाम कर दो, तो ये जो विषय है, आप अपने मुताबिक धर्म करते हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार ही धर्म बना लेते हो, ये इसका मतलब है आप नरक जाने के अधिकार। मैं नहीं कह रहा हूं, लड़ना हो तो वेद व्यास जी से जाके लड़ना, इट्स नॉट माई वर्ड, ओके, व्यास जी से जाके लड़ना कि आपने ऐसा क्यों लिखा। ये जो बता रहा हूं भागवत में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने मन मुताबिक धर्म करता है, वेद पुराण इनके बताए हुए मार्गों को त्याग कर, इनकी अवहेलना करके जो मन मुताबिक ही धर्म करता है और अपने पाखंड का आश्रय लेता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को इस अस्सी पत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां उसे कोड़ों से मार मार कर दुधारी तलवार से उसे बार बार काटा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाता, मेरी नजर में यही धर्म है,
भजन करना भी धर्म है, कथा सुनना भी धर्म है, तीर्थ करना भी धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी धर्म है, बड़ों का आदर करना भी धर्म है। आप ये सब काम अपने जीवन में इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि एक काम कर दो और एक काम नहीं करो। अगर बुरा भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अंधकूप नामक नरक, दूसरे के दुख को जानते हुए जो व्यक्ति उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे बार बार कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को इस अंधकूप में डाल दिया जाता है। उसे अंधकूप मतलब वहां कुआ है जो अंधेरा है बड़ा ही, उसमें बार बार उसको गिराया जाता है। अब हमें कई बार तो कमरे में भी कोई अंधेरा हो और दरवाजा बंद कर दे तो कईयों को तो उसी में डर लगता है, फिर तो वो कुआ है और बार बार गिराया जाता है ऊपर से नीचे, बार बार गिराया जाता है। और इतना ही नहीं है, वहां भयंकर ऐसे जीव हैं जो उसका खून पीते हैं, उस कुएं में खून पीते हैं। तो वो थोड़ा सा ब्लड बढ़वा के जाइएगा अपना, जब पी ले तो कम से कम कोई तकलीफ ना हो। राधे राधे बोलना होगा, जोर से बोलना होगा। अग्निकुंड नामक नरक, जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर, जरा ध्यान से सुने, अग्निकुंड नामक नरक, जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर खलता के कारण अपने कटु वचनों से दूसरों को, बंधु बांधवों को दुखी करता है। कई लोग होते हैं ना जो हमेशा गंदा ही बोलते हैं, अच्छा बोल ही नहीं सकते, कड़वा ही बोलते हैं, अपने प्रियजनों को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए तो सिर्फ उनका सब कुछ बुरा ही है, वो अच्छा नहीं बोल सकते। ऐसे जो कड़वा बोलने वाले लोग हैं, बांधवों को जो दुख देते हैं, उन्हें अग्निकुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसके शरीर में छिदने जितने भी रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे उस नरक में डालकर रखना है, उसी में वास करना पड़ता है। और फिर वह तीन बार पशु योनि में जाता है। जो किसी भी पद के अहंकार में आकर, बल के अहंकार में आकर, पैसे के बल में अहंकार में आकर, जो अपने सम्माननीय पितृ बंधु बांधवों को अपमानित शब्दों से संबोधित करता है, कटु शब्दों से संबोधित करता है, उसे अग्निकुंड नामक नरक में गिराया जाता है और उसे वो कष्ट दिए जाते हैं।